पहले तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग और शिव परिवार। प्रयास ये रहता है कि घर के अंदर शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं, हम भी नंदी से कम। आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हो ना सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, या गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है, कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नजदीक में है आप उसकी आराधना करिए, आप उसका पूजन करिए।